भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना की लोकसभा सीट से तैयारियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अभी तक यहां से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2014 के अंदर यशवंत कुमार ने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीता था। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी की गिरीश चंद्र जाटव जीतने में कामयाब हुए, लेकिन 2024 में सपा और बसपा किसको प्रत्याशी बनाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल जारी की गई प्रत्याशी सूची के अंदर नगीना की सीट का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नगीना सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का इंतजार है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को मजबूती से टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां से विधायक ओम कुमार को मैदान में उतारा है। ओम कुमार नगीना की सीट नैटोर से तीन बार के विधायक हैं, लगातार यहाँ से वो जीतते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। पहले यहाँ से साध्वी प्राची को टिकट देकर मैदान में उतारने की संभावना एक टीवी एक्टर की भी चर्चा चली थी, लेकिन आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और विधायक को टिकट देकर मैदान में उतारा है। मिल रही जानकारी के अनुसार ओम कुमार वर्तमान में नैटोर सीट से लगातार तीसरी बार के विधायक है। 2012 में परमिशन के बाद नवगठित नैटोर सीट पर ओम कुमार ने सबसे पहले बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 में वो बीजेपी के साथ हो गए, वहां से चुनाव जीते। 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। उनके सामने गठबंधन से रालोद प्रत्याशी पूर्व सांसद मुंशीराम मैदान में थे, लेकिन उसके बावजूद ओम कुमार यहां से जीतने में कामयाब हुए थे। तो एक बार फिर से ओम कुमार को यहां पर टिकट देकर मैदान में लोकसभा के लिए मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद ओम कुमार का सामना और जो सपा बसपा के कैंडिडेट्स आते हैं उनका सामना किस तरीके से करते हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की नगीना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी ओम कुमार को, जो कि नैटोर से तीन बार के विधायक है, उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं कमेंट